लौटने के बाद आप सीधा आपको लाइव लिए चलते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कैबिनेट में बैठक को लेकर दी गई महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहे हैं। वो देने का तय किया है। आज ये भी तय किया है कि मध्य प्रदेश में जो 1250 मैट्रिक टन धान थी वो पारदर्शी प्रक्रिया के अपनाते हुए उन्हें विक्रय की अनुमति आज कैबिनेट के द्वारा प्रदान की है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा आज पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार ने भी जैसा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की उसका अनुसमर्थन कैबिनेट के द्वारा किया गया है। जो हमारी सीमा के अंतर्गत निर्वर्तित होने वाली लोक परिसंपत्तियां थी उनके रिजर्व मूल्य को निर्धारित करने की एक नीति आज कैबिनेट के द्वारा बना दी गई है, जिससे कि स्थानीय स्तर पर होने वाली और कलेक्टर के जो भू गाइडलाइन है उसके संबंध में आने वाली दिक्कतों को इस बनने के बाद में नीति बनने के बाद में समाप्त हो जाएगी। हमारी सनखेड़ी कोलार में खसरा क्रमांक 56 रकबा 1332 वर्ग मीटर के जो निविदा आई थी 2,06,00,000 रुपए उसको भी आज 100% राशि जमा करने के बाद में देने का नामांतरण किए जाने का तय किया है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के द्वारा 12 मार्ग यूजर फ्री कलेक्शन एजेंसी के माध्यम से उपभोक्ता शुल्क टोल वसूलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। यहां मैं ये मार्गों के नाम बताने के पहले यह कहना भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये मार्ग में सिर्फ व्यावसायिक वाहन जो होंगे उन्हीं से टोल लिया जाएगा। कार, जीप, कृषि के प्रयोजन हेतु चलने वाले ट्रैक्टर, ट्रॉली, भूसा, गेहूं, अनाज जितने भी जीन्स हैं इनमें कोई भी टैक्स किसानों से नहीं लिया जाएगा। न ही आने जाने वाले कार जीप, सिर्फ जो व्यावसायिक वाहन है भोपाल बैरसिया सरोज मार्ग, सिवनी कटंगी मार्ग, नागदा धार्ग मार्ग, जबलपुर पाटन शाहपुर मार्ग, नीमच मानासा मार्ग, शाजापुर अकोदिया मार्ग, गंजवासोदा सिरोंज मार्ग, बालाघाट बेहर मार्ग, खंडवा मूंदी मार्ग, इंदौर देपालपुर मार्ग, बुढ़ार अमरकंटक मार्ग और आगर जावरा मार्ग, ये 12 मार्ग ऐसे हैं जहां पर सिर्फ व्यावसायिक वाहनों से ही टोल लिया जाएगा। आम आदमी को इन 12 मार्गों पर कोई भी दिक्कत, किसानों को कोई भी दिक्कत इन 12 मार्गों में नहीं आएगी। इसके द्वारा सेना के सभी वाहन भी फ्री रहेंगे, सांसद विधायकों के भी वाहन फ्री रहेंगे और जो एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, डाक विभाग, भूतपूर्व विधायक, सांसद, ये ऑटो रिक्शा, दुपहिया, बैलगाड़ियां, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अधिमान्यता प्राप्त सभी पत्रकार, ये सब इस पर फ्री रहेंगे। आज मध्य प्रदेश की रेत खनन नीति 2019 में कुछ संशोधन करने का भी तय किया है। अब बड़े जिले में जो बड़े ग्रुप बन जाते थे अब एक से अधिक समूह बनाकर निविदा आमंत्रित की जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण है। जो 150 रुपया पहले था 150 रुपये उसे बढ़ाकर 250 करने का भी गुणनफल प्रारंभिक आधार पर अपसेट प्राइस मूल्य तय किया है। रेत समूह को प्रकाशन के लिए राज्य स्तर पर करने उपरांत निविदा ई टेंडर की समग्र प्रक्रियाएं विकेंद्रीकृत करने का भी तय किया है और ये अवधि जो थी ठेके की 2023 नियत की जाएगी रेत के ठेके की। इसके अतिरिक्त तकनीकी सुधार मध्य प्रदेश रेत खनन भंडारण नियम 2019 में भी आज मंजूरी दी है। आज कैबिनेट के द्वारा सतगढ़ी भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सब सुविधा युक्त खेल ग्राम निजी जन भागीदारी से निर्माण जो भूमि का मामला 172 एकड़ भूमि का था आज उसको भी पुनः उसमें लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उल्लेख भी किया है कि ये राजस्व विभाग को जाने के बाद में इस भूमि का खेल में उपयोग हो इस बात की भी चर्चा की जाएगी और इस तरह से ये सुपुर्द की गई है। इसके सभी व्यवहारिक और वैधानिक मामले निपटाए जाएंगे। ये परिसंपत्तियों के निर्धारित हेतु संशोधित नीति को शक्ति प्रदान की गई है जिससे पूर्व में चली आ रही जटिलताओं में सरलता मिल जाएगी।